तीन ऐसे रीजन जिसकी वजह से चेतक इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। लास्ट वाला पॉइंट मेरा फेवरेट है। नंबर वन, इसकी बिल्ड क्वालिटी। चेतक को सबसे ज्यादा इसलिए पसंद किया जा रहा है क्योंकि जो क्वालिटी और प्रीमियमनेस चेतक कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया है उतना किसी और इलेक्ट्रिक स्कूटर ने नहीं किया। चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी की पसंद चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर ही है। जब आप इसे रोड पर ड्राइव करते हो तो आपको एक स्मूथ फीलिंग आती है, जैसे कि आप कार ड्राइव कर रहे हो और इसमें आपको किसी तरह की कोई नॉइज देखने को नहीं मिलती। लेकिन आप इसे ओला और दूसरी इलेक्ट्रिक से कंपेयर मत करना, क्योंकि सभी इलेक्ट्रिक कंपनीज ने अपने अपने लेवल पर कुछ न कुछ अलग फीचर्स और स्पेशलिटी ऐड करने की कोशिश कर रही है। जैसे किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्पीकर्स ऐड किए गए हैं, किसी में रेंज बढ़ाई गई है और किसी में कुछ और स्पेशलिटी दी गई है। लेकिन चेतक कंपनी ने फीचर्स से ज़्यादा इसकी बिल्ड क्वालिटी पर फोकस किया है और एंड में आपको चाहे कोई भी फीचर्स क्यों ना मिले, आप हमेशा प्रीमियमनेस की तरफ ही जाओगे, स्पेशली एल्डर्स, क्योंकि ओला में जो स्पीकर दिए गए हैं उन स्पीकर्स की वजह से यंगस्टर ओला की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। नंबर टू, जीरो मेंटेनेंस। चेतक इलेक्ट्रिक को अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक से कंपेयर करें तो इसका मेंटेनेंस एकदम कम, या हम इसे जीरो मेंटेनेंस भी कह सकते हैं। हाँ, कभी कभी इसके हेवी यूज से इसके ब्रेक पैड्स जरूर खराब हो जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि इसके ब्रेक पैड्स और डिस्क ब्रेक और छोटा मोटा स्पेयर तो आसानी से किसी भी बजाज की शॉप पर अवेलेबल हो जाता है। नंबर थ्री, इसका लुक। चेतक इलेक्ट्रिक एक ऐसा ब्रांड है जिसके लुक को ओल्डन टाइम्स के चेतक से लिया गया है, और चेतक भले ही रेंज के मामले में थोड़ी पीछे हो पर लुक के मामले में आज भी सबसे ऊपर है। और इसकी बॉडी जो टोटली मेटल से बनाई गई है, ये भी इसे ऊपर रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर इसे पेट्रोल स्कूटर के सामने रखा जाए तो चेतक 1% भी इलेक्ट्रिक वाला लुक नहीं देती। आप कौन से कलर का चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हो, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।